नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। खेती करते हैं भारत के, ठीक है। भारत के ज्यादातर लोग खेती करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। भारत की जलवायु में विविधता है, ठीक है। तो यही कारण है कि भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। और अगर बात की जाए कि ये जो कृषि शब्द है, ठीक है, जिसको हम खेती कहते हैं, ये जो कृषि शब्द है इसका क्या मतलब है, तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी में इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। कृषि को हम इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। और जो एग्रीकल्चर ये वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ये जो है दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज है ये, दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर शब्द। और जो एग्री है इसका मतलब होता है भूमि, और कल्चर का मतलब होता है खेती, जिसका मतलब होता है भूमि पर खेती करना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कुछ फैक्ट है कि एक तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि कृषि की दृष्टि से, ठीक है, खेती की दृष्टि से भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि भारत में बहुत तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत के ज्यादातर लोग खेती करते हैं, ठीक है। बहुत सारे किसान हैं भारत में और ज्यादातर लोग खेती पर ही आश्रित हैं, लगभग 2/3, जो कि हमारे पास आंकड़ा है। और तीसरे पॉइंट में हमने ये देखा कि जो कृषि है उसको इंग्लिश में हम एग्रीकल्चर कहते हैं, और जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एग्री और कल्चर दो शब्द हैं, जिसमें एग्री का मतलब भूमि होता है और कल्चर का मतलब खेती होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो देखते हैं कि कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, खेती कितने प्रकार की होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो खेती है या जो कृषि है ये बहुत पुराने समय से की जा रही है, ठीक है, और ये हमारे देश की एक प्राचीन प्रक्रिया है। कि जो हमारे बहुत पुराने पूर्वज होते थे या जो आदिवासी होते थे, ठीक है, आदिकालीन समय होता था, उस जमाने से लेके और आज तक खेती की जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो भारत देश है वहां पर कृषि एक प्राचीन क्रिया है, ठीक है, प्राचीन मतलब पुरानी क्रिया है। और दूसरा पॉइंट है कि समय के साथ साथ खेती के तौर तरीकों में बदलाव आया है। कैसे? कि जो बहुत पुराने समय में खेती की जाती थी उसमें जो हलों का प्रयोग किया जाता था वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, या तो लकड़ी के होते थे या मिट्टी के बने हलों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। जो रासायनिक उर्वरक होते थे तब नहीं होते थे इतने, जैसा कि आज हमारे वैज्ञानिक खोज के और जो रासायनिक उर्वरक बनाते हैं जिससे हम फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहले के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कृषि को लेके, लेकिन आज के समय में बदलाव आया है। हम लोहे के हलों का प्रयोग करते हैं, खेत में ट्रैक्टर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, ये कुछ तरीकों में और इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसमें बदलाव आया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि समय के साथ साथ खेती के तरीकों में बदलाव आया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी खेती होती है, कृषि होती है, कितने प्रकार की होती है। तो पहला तो हमारे पास दे रखा है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरी कृषि होती है गहन जीविका कृषि, और जो तीसरी कृषि होती है वो है वाणिज्यिक कृषि। तो अब हम तीन कृषियों को ही हम आगे डीपली पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो आपको ये नाम से ही याद रखना है कि प्रारंभिक का मतलब तो ये है कि ये बहुत पुराने टाइम की है, ठीक है, प्रारंभिक। जीवन निर्वाह का मतलब होता है कि बस सिर्फ जीवन यापन के लिए खेती की जाती है, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, ठीक है, बस गुजारा हो जाए। और कृषि का मतलब तो खेती होता है। तो आपको ये वर्ड से भी याद रखना है ताकि आपको इसकी विशेषताएं इसकी हेडिंग पढ़ते ही याद आ जाए कि प्रारंभिक का मतलब पुरानी, जीवन निर्वाह का मतलब होता है गुजारा करना, और कृषि का मतलब होता है खेती करना, ठीक है। तो ये पुराने टाइम की कृषि है और ये सिर्फ गुजारे के लिए की जाती है, ना कि पैसों के लिए। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि होती है इसके अंदर जो भूमि के टुकड़े होते हैं उस पर आदिम कृषि औजारों, इसका मतलब है पुराने कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी, इन दो का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं से खेती की जाती है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये जो खेती होती है ये परिवार की मदद से की जाती है, ठीक है, इसमें कोई अलग से मजदूर नहीं रखे जाते, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की कृषि है। तो इसमें ज़्यादातर जो पुराने टाइम की कृषियाँ होती थी घर के लोग खुद मिलकर ही करते थे, ठीक है, तो श्रमिकों को पैसों पे नहीं रखते थे, बल्कि जो परिवार के सदस्य होते थे वो मिलजुल कर खेती किया करते थे। और तीसरा पॉइंट है
कि इस फसल से केवल परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो हमारी जीवन निर्वाह कृषि है, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो सिर्फ इतना होता है कि परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसमें सिर्फ खाने की चीजें उगाई जाती है, ना कि बाजार में बेचने के लिए जो फसलें होती हैं, जैसे गन्ना वगैरह हो गया, ठीक है, कॉफी हो गई, वो सब नहीं उगाते थे। वो तो आती है हमारी जो मतलब बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है, लेकिन जो ये जीवन निर्वाह कृषि होती है ये सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। इसका अगला पॉइंट है कि इसमें झूम खेती पद्धति या फिर कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो झूम खेती के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आइए आपको आगे समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कर्तन दहन प्रणाली। ठीक है, तो कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। ठीक है, तो जब ये खेती की जाती है उसमें क्या किया जाता है कि किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बेचने के लिए बिल्कुल नहीं होती खेती, ये सिर्फ परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, परिवार के भरण पोषण के लिए। और इसमें किसान क्या करता है कि जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर खेती के लिए वे दूसरी भूमि तैयार करते हैं और इस प्रकार कृषि से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या होता है। जो किसान होता है, ठीक है, वो किसी एक क्षेत्र में जाता है, उसमें जो पहले की वनस्पति होती है, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं या घास फूस जो भी होती है, उसको वो क्या करता है, काट कर या तो उसे काट देता है या फिर उसे जला देता है। उसे जला के जब वो उसकी राख बच जाती है, ठीक है, वो राख क्या होती है, उर्वरक का काम करती है, जिससे भूमि उपजाऊ बनती है। ठीक है, जब वो भूमि तैयार हो जाती है फिर उस पर वो खेती करता है, खेती करके फिर वो दूसरी जगह पे जाता है। ठीक है, फिर दूसरी जगह पे ऐसे ही करता है कि जो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उनको काटता है, फिर जलाता है, फिर उसकी जो राख बच जाती है वो फिर उर्वरक का काम करती है जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है, फिर वो वहाँ पर खेती करता है। तो ऐसे ही ये करते रहते हैं, मतलब इसको झूम खेती भी कहते हैं हम। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, पहले इस खेत पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, जब यहाँ से कृषि हो जाएगी फिर दूसरे खेत पे जाएंगे, वहां पर जाके फिर जलाएंगे, फिर तीसरे खेत पे जाएंगे। तो ये किसी एक जगह पे नहीं रुकते, ठीक है, स्थायी नहीं होते ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं झूम खेती भी कहते हैं। और कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि वनस्पतियों को जाके पहले तो काटते हैं किसी क्षेत्र की, फिर उसको काट कर उसे जला देते हैं, फिर उसकी जो राख होती है वो उर्वरक का काम करती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो राख होती है, ठीक है, जब ये मिट्टी में मिल जाती है तो भूमि का उपजाऊपन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, भूमि और उपजाऊ हो जाती है, लेकिन इसका एक दोष भी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, इसकी एक हानि भी है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि यदि हम वनस्पतियों को जलाते हैं, उनमें आग लगाते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस प्रकार की कृषि में या इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस कृषि में उत्पादन कम होता है। मैंने आपको बताया कि जो किसान होते हैं वो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, उस खेत की जो है वनस्पति को जला देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मिट्टी जो होती है उपजाऊपन का काम करती है। ठीक है, मिट्टी के अंदर जब वो राख मिल जाती है तो वो जो भूमि होती है वो उपजाऊ बन जाती है, लेकिन उसमें उत्पादन ज्यादा नहीं होता, सिर्फ इतना ही उत्पादन होता है, उसमें खेती इतनी ही होती है जिससे सिर्फ उसके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। इसलिए जो किसान होते हैं वो उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, उर्वरक होते हैं हमारे जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको खेतों में छिड़क कर क्या होता है, उत्पादन बढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमारी कर्तन दहन प्रणाली के अनुसार किया जाता है इसमें उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है। अब अगली हमारे सामने कृषि है गहन जीविका कृषि। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह कृषि वहां की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इस प्रकार की कृषि है, ठीक है, गहन जीविका कृषि, ये कहां पर की जाती है, कोई ऐसी जगह जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर की जाती है गहन जीविका कृषि, तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है कि इसमें अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो गहन जीविका कृषि है, पहली बात तो ये ऐसी जगह पे की जाती है जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो हमें खेती से पैदावार भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, और खेती में अगर पैदावार ज्यादा चाहिए
तो हम यूज करेंगे रासायनिक उर्वरकों का, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे या केमिकल्स का प्रयोग करेंगे जिससे उत्पादन ज्यादा हो। और क्या करते हैं, सिंचाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या तो कोई नहर होती है वहां से सिंचाई के लिए पानी ले लेते हैं, ठीक है, नदियों से सिंचाई कर लेते हैं, बांधों से सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंचाई का मतलब होता है किसी दूसरे स्रोत से पानी खेतों में लाना, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंचाई का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है उत्पादन को बढ़ाना। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो गहन जीविका कृषि होती है ये तो ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है, और जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमें खेती से पैदावार भी ज्यादा चाहिए। अगर पैदावार ज्यादा चाहिए तो हमें वहां पर केमिकल्स का प्रयोग करना होगा, केमिकल उर्वरकों का प्रयोग करना होगा, और सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी गहन जीविका कृषि। उसके बाद जो अगली कृषि है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो वाणिज्यिक कृषि होती है ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाती है, ठीक है, ये कोई परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं की जाती। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, ठीक है, जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि ये खेती करके और पैसा कमाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके तहत जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उन सभी को बाजार में बेचा जाता है। जो इस प्रकार की कृषि होती है इसका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, और इसके अंदर जो भी फसल उगाई जाती है वो बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती है। जैसे केला हो गया, कॉफी हो गई, ठीक है, गन्ना हो गया, ये सब क्या होता है, ये कोई अपने परिवार की जरूरतों के लिए थोड़ी ना उगाता है, ये उगाता है पैसों के मुनाफे के लिए, ठीक है, पैसों के लिए, पैसों के लाभ के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसके अंदर जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं वो बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें अधिक पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसों में मुनाफा चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए, तो आपको उत्पादन ज्यादा करना होगा। अगर आपको ज्यादा उत्पादन करना है, पैदावार ज्यादा चाहिए, तो आपको अच्छे बीजों का प्रयोग करना होगा, अच्छे अच्छे केमिकल उर्वरकों का प्रयोग करना होगा और कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इस प्रकार की खेती में पैसा भी बहुत ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब जो हमारी कृषि है वो है रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि। तो आइए इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो रोपण कृषि है ये हमारे देश में लेके आए थे अंग्रेज, ठीक है। हमारे जो भारतीय लोग थे वो क्या करते थे, सिर्फ अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करते थे और वैसी ही फसलें उगाते थे, ठीक है, गेहूं और ये चावल, ठीक है, यही सब उगाते थे। लेकिन जो जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने रोपण कृषि की शुरुआत की। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो इसे रोपण कृषि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एक खेत होता है, ठीक है, बड़े आकार का खेत होता है, और इसमें जितनी भी खेती की जाती है एक ही फसल की जाती है, ठीक है, एक ही फसल उगाई जाती है, और इसमें जो है फसल बीजों में नहीं होती, इसमें क्या होता है पौध लगाई जाती है, जैसे गन्ना, रबड़, चाय, कॉफी, ठीक है, ये सब क्या है, इनकी पौध लगाई जाती है। और इनको फिर इसके अंदर जो इस प्रकार की खेती होती है इसमें मशीनों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है, श्रमिकों की कम होती है लेकिन मशीनों की और भी ज़्यादा होती है। इसमें जो मजदूरों की आवश्यकता तो होती है लेकिन मशीनों की ज़्यादा होती है, और पैसा इसमें ज़्यादा लगता है, पूंजी ज़्यादा लगती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और यह एक वाणिज्य खेती है, ठीक है, वाणिज्य का मतलब होता है धन से जुड़ी, और खेती आपको बताइए क्या होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, जो रोपण कृषि होती है हमारे देश में अंग्रेज लेके आए, और ये पैसों से जुड़ी कृषि है, इसमें सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ये कृषि की जाती है, और इसके अंदर भी जो चीज़ें, जो पौध लगाई जाती हैं वो बाजार में बेचने के उद्देश्य से लगाई जाती है, ना कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, ठीक है, जैसे गन्ना, रबड़, चाय और कॉफ़ी। अब भाई कॉफ़ी कोई अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तो उगाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है ये बाजार में बेचने के लिए की जाती है। अब आपके सामने टॉपिक है मौसमी फसलें। तो ये जो मौसमी फसलें होती हैं भाई, ये कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको उगाने का एक विशेष मौसम होता है, ठीक है, बिना मौसम के नहीं उगाई जाती, और इनका एक मौसम निश्चित होता है जिसमें ये उगाई जाती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है रबी फसल, ठीक है, पहली फसल होती है रबी फसल। तो रबी फसल जो होती है वो शीत ऋतु में, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, इसके बीच में इस फसल को बोया जाता है, ठीक है। और इस फसल में क्या क्या आता है, गेहूं, मटर, चना और सरसों, ये किस में आता है, रबी फसलों में, ठीक है। और इसको कब बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच,
और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में अप्रैल से जून के बीच इसे काटा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो रबी फसल होती है उसके अंदर गेहूं, मटर, चना और सरसों आते हैं, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच इन्हें बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच इन्हें काटा जाता है। अब जो दूसरी फसल है मौसमी, वो है खरीफ फसल। अब जो खरीफ फसल होती है इसमें क्या क्या आता है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ठीक है, इन सबको हम खरीफ फसल कहते हैं। और ये मानसून की पहली बौछार, ठीक है, जो मानसून होता है हमारा, बारिश होती है, उसकी पहली बौछार के साथ बोया जाता है इसे, जो कि जून या जुलाई, ठीक है, इन दोनों में से किसी भी महीने में बोया जा सकता है। और इसको काटा कब जाता है? सितंबर और अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। तो पहली जो फसल थी मैंने आपको बताया रबी फसल, ठीक है, और दूसरी फसल है खरीफ फसल। अब एक और होती है मौसमी फसल जिसे हम कहते हैं जायद फसलें, ठीक है। तो ये जो जायद फसलें होती हैं, तो भाई ये जो होती है ये रबी और खरीफ इन फसलों के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। जो जायद फसलें होती हैं ये रबी और खरीफ के बीच में, जब ग्रीष्म ऋतु होती है या जो गर्मियों का टाइम होता है उसमें ये बोई जाती हैं। इनमें क्या क्या आता है इन फसलों में? तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियां, ठीक है, इन सबको हम शामिल करते हैं जायद फसलों में। और अगर महीने की बात की जाए तो मई से जुलाई या सितंबर से दिसंबर के बीच इन्हें उगाया जाता है। तो मैंने आपको मौसमी फसलों के बारे में बताया, जो कि पहली थी हमारी रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी थी जायद। अब हम आगे पढ़ेंगे मुख्य फसलें कुछ, ठीक है। तो भारत में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत जो हमारा देश है उसमें खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं और अखाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं। तो खाद्य फसलें ऐसी होती हैं जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है, और जो अखाद्य फसलें होती हैं इनको हम खा नहीं सकते, जैसे जूट, कपास, ठीक है, इन सबको हम कहते हैं अखाद्य फसलें, या जो रेशम, तो इसे हम कहते हैं अखाद्य फसलें जिन्हें हम खा नहीं सकते। और जो खाद्य फसलें होते हैं उन्हें हम खा सकते हैं, गेहूं, चना, अनाज, ठीक है, जितनी भी अनाज की होती हैं, मक्का, इसे हम कहते हैं खाद्य फसलें। अब दूसरा पॉइंट है कि खाद्य फसलों में भी कुछ अनाज हैं और कुछ गैर अनाज हैं, तो आइए देखते हैं। अब जो अनाज फसलें हैं वो हैं हमारी चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का और दालें, ठीक है, इन सबको तो हम कहते हैं अनाज फसलें। तो आइए अब देखते हैं चावल के बारे में। चावल की जो फसल होती है, आपके सामने फोटो है, ठीक है, चावल की फसल जो होती है उसकी विशेषताएं देखते हैं कि भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका मतलब है जो वर्ल्ड में जो चावल उगाया जाता है उसमें भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है चावल उगाने में। और यह एक प्रमुख खाद्य फसल है, चावल जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फसल है खाने वाली। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर घरों में चावल पाया जाता है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन घर हो या वो साउथ इंडियन घर हो, ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी दोनों तरफ चावल बहुत फेमस है। और तीसरा पॉइंट है कि चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। कि भाई अगर चावल की फसल आपको उगानी है तो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान आपको चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर इतना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि चावल को उगाने के लिए अधिक जल की ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर पानी की कमी हो अगर किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर चावल उगाना इम्पॉसिबल है। जैसे बात की जाए अगर राजस्थान की, तो वहाँ पर बहुत कम चांस होते हैं कि आप चावल उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, या जहाँ पर पानी अच्छे से उपलब्ध होता है, या जहाँ पे अगर सिंचाई की सुविधा होती है, अगर राजस्थान में भी उगाया जाता है चावल लेकिन सिंचाई द्वारा, अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए अगर कहीं पर पानी की कमी है तो वहाँ चावल उगाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर जहाँ पर पानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो वहाँ पर चावल उगाना आसान होता है, जैसे पश्चिम बंगाल में। और जो चावल को उगाने वाले जो मुख्य राज्य हैं वो है हमारा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो पंजाब में तो पानी की कोई कमी नहीं है, आप जानते हैं कि पांच नदियां आके वहां मिलती हैं, तो वहां पर चावल उगाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर नॉर्मल फसल है ये। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम गेहूं के बारे में, ठीक है, आपके सामने गेहूं की फसल का फोटो है, अब हम गेहूं की फसल की विशेषताएं देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक तो हमने पढ़ा था चावल,
अब जो गेहूं है ये भारत की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट खाद्यान्न फसल है, मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इसे ठंडे तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जा सकता है, ठीक है। कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर एक तो तापमान वहाँ का ठंडा हो थोड़ा, और वहाँ जो बारिश होती है कम से कम 50 से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, तभी गेहूं की फसल को उगाया जा सकता है। और गेहूं की फसल उगाने वाले जो मेन राज्य हैं, मुख्य राज्य हैं जहाँ पर इसका उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ ज़्यादातर गेहूं उगता है, वो है हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो आप ज़्यादातर देखेंगे क्योंकि ये बहुत हरा भरा इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। अब बात की जाए अगर मोटे अनाजों की, ठीक है, जो अनाज मोटे होते हैं तो ये दो प्रकार के हैं, एक तो है ज्वार और दूसरा है हमारा बाजरा। तो ज्वार जो होता है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, पौष्टिक होता है, हेल्दी होता है ये खाना, ठीक है, जो ज्वार होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो दूसरी हमने पढ़ी थी गेहूं, जो कि दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट फसल है हमारे इंडिया की, और जो तीसरे नंबर की जो हमारी इम्पोर्टेंट फसल है, ठीक है, इंडिया की खाने वाली, उसको हम कहते हैं ज्वार। और ये जो ज्वार की फसल है ये बारिश पर निर्भर रहती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ज्वार के बारे में, एक तो ये हेल्दी है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा इसमें अधिक होती है, ठीक है, और देश की तीसरी इम्पोर्टेंट फसल है, और ये पूरी की पूरी फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अब हम पढ़ेंगे बाजरा के बारे में। तो जो बाजरा होता है ये बलुआ और काली मिट्टी पर उगाया जाता है, ठीक है। जो बाजरा की फसल होती है ये कहाँ पर उगाई जाती है, एक तो काली मिट्टी वाले इलाकों में और दूसरा बलुआ इलाकों में, ठीक है। बलुआ मतलब जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, बलुआ मिट्टी, जो कि रेतीली होती है, जिसके कण बिल्कुल बारीक होते हैं। और जो काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वो हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी बाजरा उगाया जाता है। अगर अब बात की जाए मक्का की, तो मक्का कहाँ पर उगाया जाता है, जहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता हो, ठीक है। तो मक्का कहाँ पर उगाया जाएगा कि जहाँ पर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो, ठीक है, थोड़ा गर्म इलाका हो। और जो इसका मेन क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मक्का उगाया जाता है, तो वो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो आपको बाजरा के बारे में समझ में आ गया होगा और मक्का के बारे में, ठीक है। तो ये पौष्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और ये जहाँ भी उगाए जाते हैं और जो इनके लिए इनकी मिट्टी है कौन सी है वो आपको याद रखना है, और इसको कौन से सिचुएशंस में उगाया जा सकता है, जैसे 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चाहिए हमें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। अब बात की जाए अगर दालों की, ठीक है, दाल हम सब खाते हैं, हम सब जानते हैं। तो जो अगर बात की जाए दालों की, तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बात की जाए अगर इंडिया की, तो वर्ल्ड में नंबर वन है, ठीक है, भारत दालों के मामले में उगाने में, भारत वर्ल्ड में नंबर वन है दाल उगाने में। और शहरी खाने में तो भाई दाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला बताया जाता है, जो शहरी लोग होते हैं वो अपने खाने में दालों को जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि दाल में प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमें ताकत देता है। और तीसरी बात है कि ये जो दालों की फसलें होती हैं ये शुष्क तापमान में भी उगाई जा सकती हैं। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये दाल की फसल उगाई जा सकती है, ठीक है, इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने बताया इसका नमी का मतलब होता है गीलापन, ठीक है, तो पानी की बिल्कुल कम आवश्यकता होती है। और कुछ दालों के उदाहरण है जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ठीक है। तो ये कुछ मेन दालें हैं, तो आपको याद रखना है कि दाल की जो फसल होती है वो गर्म इलाकों में भी उगाई जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो दालें होती हैं वो भारत ही उगाता है। अब हमारे सामने टॉपिक है गैर अनाज फसलें, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया जो अनाज की फसलें होती हैं, अब मैं आपको बताऊंगा गैर अनाज फसलें, जैसे गन्ना, तिलहन, चाय और कॉफी। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी करके पढ़ेंगे, ठीक है, और इन सब की विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे सामने गन्ना। तो भाई जो गन्ना होता है हम सब जानते हैं, हम सब खाते हैं गर्मियों में, ठीक है। जो गन्ना होता है इसको उगाने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। 27 डिग्री तक जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी जरूरत होती है। और दूसरा पॉइंट है कि
75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की भी जरूरत होती है। ये ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर तक लगभग बारिश होती हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि इसके जो मेन क्षेत्र हैं जहां पर गन्ना ज्यादा से ज्यादा उगाया जाता है वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो गन्ने की फसल होती है इसको नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है इसमें। इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी दालें, उसमें पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं भी होती, बहुत हल्के मात्रा में होती है। लेकिन जो गन्ना होता है इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। और गन्ने को अगर हमें उगाना है, अगर कोई एरिया शुष्क है, ठीक है, जो गर्म एरिया है जहाँ पर पानी नहीं है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, सिंचाई करनी होगी। सिंचाई के द्वारा इन्हें उगाया जाता है। अब जो अगली है हमारे सामने हेडिंग, वो है तिलहन। तो तिलहन क्या होता है, जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, ठीक है, ये सब ऐसी फसलें हैं जो कि गैर अनाज फसलें हैं और इन्हें हम कहते हैं तिलहन। और ये सब खाने योग्य हैं, हम सब जानते हैं, हम मूंगफली भी खाते हैं, सरसों का तेल होता है हमारे पास, नारियल होता है, ठीक है, नारियल हम खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब खाने योग्य होती हैं, खाद्य फसलें होती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इसका खाना पकाने में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली का भी तेल निकाला जा सकता है, सरसों का भी तेल निकाला जा सकता है, नारियल का भी तेल निकलता है, सोयाबीन का भी तेल निकलता है, तो इन सबको खाना पकाने में भी यूज़ किया जा सकता है। अब बात की जाए कि तिलहन जो फसलें हैं जो मैंने आपको बताई, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और गुजरात में, ठीक है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। अब आपके सामने टॉपिक है चाय, ठीक है, चाय का मतलब होता है टी, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसको उगाने के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म जलवायु हमें चाहिए, ठीक है। अगर हमें चाय को उगाना है तो हमें चाहिए उसके लिए गर्म जलवायु। और दूसरा पॉइंट है कि चाय एक रोपण कृषि का ही उदाहरण है। रोपण कृषि मैंने आपको बताई थी, आपको याद आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज भारत में लेके आए थे, इससे पहले चाय भारत में नहीं उगाते थे, अंग्रेज भारत में चाय लेके आए, ठीक है, चाय और कॉफ़ी इन सब की जो फसलें उगाना स्टार्ट की, इनकी पौध लगाना स्टार्ट की, ठीक है, और उसकी चाय की झाड़ियाँ लगाना स्टार्ट की। तो ये सब क्या है, एक रोपण कृषि है। रोपण का मतलब होता है जिसमें फसलों की पौध लगाई जाती है और इसको बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। जैसे चाय है, इसको हम सिर्फ इसीलिए उगाते हैं ताकि इसको बाजार में बेचा जा सके। और तीसरा पॉइंट क्या है कि यह पेय पदार्थ की फसल है। पेय पदार्थ का मतलब होता है जिसको हम पी सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि चाय इसीलिए होती है जिसको हम आगे जाके पी सकते हैं। तो चाय एक पेय पदार्थ की फसल है जिसे अंग्रेज लाए थे, ये मैंने आपको रोपण कृषि के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और अगला पॉइंट है कि चाय के लिए सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। मैं आपको बता दूं भाई, जो चाय की फसल होती है इसमें बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम श्रमिकों को ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो इसमें उत्पादन जो होता है इतना फ़ायदा होता नहीं है, वैसे बहुत कम होता है, लेकिन सही होता है। अगर उसमें से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर हम लेबर को दे देंगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हमें मजदूर तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऐसे मजदूर होने चाहिए जो कि सस्ते हों, ठीक है, सस्ते मजदूर। तो अंग्रेज क्या करते थे भाई, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए होता था और हम भारतीय थे उनके गुलाम, तो वो क्या करते थे, हमसे चाय की फसलें उगवाते थे और पैसे या तो बिल्कुल कम देते थे या कभी कभार नहीं भी देते थे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुलामी की है हमारे देश ने अंग्रेज़ों की, और चाय की फसलें जो होती है उससे जुड़ा बहुत बड़ा इतिहास है हमारे भारत का, आगे चलकर आप पढ़ेंगे। और जो चाय की जो मेन क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पर चाय उगाई जाती है, वो है असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम आगे कॉफ़ी के बारे में। तो भाई ये भी अंग्रेज ही लाए थे लगभग, हम सब जानते ही हैं, ठीक है, चाय कॉफ़ी ये सब अंग्रेज लाए हैं और ये सब बाहर की फसलें हैं। पहला पॉइंट है कि जो भारतीय कॉफ़ी है, ठीक है, जो हमारी इंडिया में उगाई जाती है ना कॉफ़ी, उसकी पूरे वर्ल्ड में मांग है, बहुत फेमस है हमारे भारत की कॉफ़ी। जो भारत में कॉफ़ी उगाते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दूसरा पॉइंट है कि कॉफ़ी कहाँ पर उगाई जाती है, असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, तो ये सब कोई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है। इसमें से भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। अब मैं आपको बता दूँ बागवानी फसलें, ठीक है, बागवानी फसलें, तो नाम आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। कि पहला पॉइंट है कि जो फलों की और जो सब्जियों की खेती होती है ना, उसको हम कहते हैं बागवानी फसलें,
ठीक है, जिसमें फलों को और सब्जियों को उगाया जाता है। तो ये बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी फसल होती है जिसमें फलों को और सब्जियों को उगाया जाता है, उसे हम कहते हैं बागवानी फसलें। और दूसरा पॉइंट है कि भारत इसका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जो बागवानी फसलें होती हैं फलों की और सब्जियों की, भारत का पूरे वर्ल्ड में दूसरा नंबर है, जो कि ऐसा देश जो ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी फसलें उगाता हो, भारत दूसरे नंबर पे है। और बागवानी फसलें जो है हमारी फलों की और सब्जियों की, भारत में ज़्यादातर कहाँ पर उगाई जाती हैं? महाराष्ट्र में, केरल में, जम्मू में, ठीक है। तो महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है? अपने आम के लिए। केरल किस फसल के लिए फेमस है? केलों के लिए। जो जम्मू कश्मीर है वो अपने सेब के लिए फेमस है, एप्पल्स के लिए। तो ये होती है हमारी बागवानी फसलें, जिसमें फलों को और सब्जियों को उगाया जाता है। अब आपके सामने टॉपिक है अखाद्य फसलें। तो भाई अखाद्य फसलें ऐसी होती हैं जिसे हम खा नहीं सकते और इसको भी हम बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं। तो पहली तो है रबड़, दूसरी है रेशम, तीसरी है कपास और चौथी है जूट। तो अब हम एक-एक करके इन सब की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रबड़ के बारे में, ठीक है। तो जो रबड़ होता है हमारा, आप सब जानते ही होंगे रबड़, इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है जो रबड़ की फसल है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है इसको उगाने के लिए, ठीक है। या तो वो पानी सिंचाई द्वारा आए, या तो उस इलाके में पानी होना चाहिए, तभी रबड़ की फसल वहाँ पर उगाई जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि रबड़ को जो उगाने के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए। आर्द्र जलवायु होती है हमारी जो थोड़ी नमी भरी जलवायु, ठीक है, जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती रहे। आर्द्र जलवायु का मतलब कुल मिला के यही होता है, ना ज़्यादा ठंडी और ना ज़्यादा गर्म, ऐसी जलवायु जहाँ पर पानी की अच्छी उपलब्धता हो। और तीसरा पॉइंट है कि ये जो रबड़ की फसल होती है इसको उगाने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है रबड़ को उगाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रबड़ के लिए। और चौथा पॉइंट है कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। एक तो बारिश भी ज़्यादा चाहिए, पानी भी ज़्यादा चाहिए, और इसको उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट वाइज, ये आपको याद रखनी है, पेपर में आपको कुछ ऐसे ही लिखना है पॉइंट बना के, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि इसे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ज़्यादातर उगाया जाता है। जो रबड़ की फसल है अगर बात की जाए ज़्यादातर कहाँ पर उगाई जाती है, तो वो है केरल और तमिलनाडु। आइए देखते हैं अगली फसल कौन सी है, वो है रेशम, ठीक है। तो जो रेशम होती है ये कोई फसल नहीं होती, ये ऐसा काम होता है कि जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है रेशम, ठीक है। जो रेशम का कीड़ा होता है आप सब जानते होंगे, जो रेशम का कीड़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसकी फोटो सर्च मारना। जो रेशम का कीड़ा होता है उससे हमें प्राप्त होता है कोकून, ठीक है। जो कोकून होता है फिर वहां से हमें मिलता है रेशम, उसको एक एक करके निकाला जाता है, ठीक है। और पुराने जमाने से जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, पश्चिम बंगाल साइड में बहुत ज़्यादा रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, फिर क्या किया जाता है, जो उनको पाल के जो उनका कोकून होता है, ठीक है, उसमें से रेशम को अलग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि रेशम के कीड़े, अगर रेशम के कीड़े का जो पालन होता है, ठीक है, जो रेशम के कीड़े पालते हैं उसको हम नाम देते हैं रेशम उत्पादन, ठीक है। जो रेशम के कीड़ों को पालता है उसे हम कहते हैं रेशम उत्पादन, ठीक है, रेशम के कीड़ों को पालना। और चौथा पॉइंट है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो मलबारी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। तो हमने ये तो देख लिया कि रेशम के कीड़े को पाला जाता है, उसके बाद उससे कोकून जो हमें प्राप्त होता है वहां से फिर हमें मिलता है रेशम। लेकिन जो रेशम का कीड़ा होता है उसको पाला जाता है मलबारी नाम के पेड़ की हरी पत्तियों पर, ठीक है। तो रेशम के बारे में आपको ये याद करना है। फिर आपके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कपास। तो कपास आप सब जानते होंगे क्या होता है और इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। तो कपास को उगाने के लिए भाई हाई टेम्परेचर चाहिए, एकदम गर्मी वाला माहौल, ठीक है, एकदम हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान और हल्की फुल्की बरसात, ठीक है, और खिली हुई धूप। भाई सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो धूप भी खिली रहेगी और खिली धूप में कपास की खेती अच्छी होती है। और इसको उगाने के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक है। कपास मैंने आपको बताया था कि जो पहला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था काली मिट्टी के बारे में, ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि काली मिट्टी
कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि जो काली मिट्टी होती है वहां पर कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। और तीसरा पॉइंट है कि जो कपास होता है वो ज्यादातर कहाँ पर उगाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये नीचे का हिस्सा जो पठारी इलाका है जहाँ पर काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, यहाँ पर कपास भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ताकि यहीं पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ पर एक तो गर्मी भी ज्यादा होती है और जो बारिश होती है वो बिल्कुल हल्की फुल्की होती है। फिर जो हमारी अगली फसल है वो है भाई जूट, ठीक है। जूट के आपने थैले देखे होंगे, बोरियां देखी होंगी, जूट की शर्ट देखी होंगी, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि इसको उगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जो जूट होता है हमारा उसको हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि जो जूट होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, बोरियां बनाने के लिए, चटाइयां बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा बोरियां जो होती हैं, जो चटाइयां होती हैं, रस्सी होती हैं, ये सब किससे बनती हैं, जूट से। और तीसरा पॉइंट है कि जूट को बनाने में उच्च लागत आती है, जिसका मतलब है जूट की खेती करने में, जूट को उगाने में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, अधिक पूंजी लगती है, पैसा ज्यादा लगता है। इसके कारण जो गरीब किसान होते हैं वो जूट नहीं उगा पाते और इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बाजार में इसकी मांग अब कम होती जा रही है। और इसका स्थान किसने ले लिया, जो हमारी नायलॉन की पैकिंग सामग्री है, ठीक है, जो आपने देखा होगा पन्नियां जो होते हैं ना प्लास्टिक की लेते हैं, या और कोई जो उसकी होती है नायलॉन वगैरह की, तो वो तो सस्ती होती हैं, उसका हम जो है उत्पादन भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जूट होता है इसके उत्पादन में टाइम भी लगता है थोड़ा, इसमें पैसा भी लगता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं आजकल, शॉर्टकट अपनाते हैं, जो वो प्रदूषण वाली पन्नियां होती हैं प्लास्टिक की, उसको दुकानों पर रखते हैं और उसी में सामान बेचते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, जूट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग है हमारे सामने कि भारतीय कृषि को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने क्या-क्या किया है, ठीक है। जो भारतीय सरकार है उसका क्या योगदान है हमारी भारतीय कृषि को अच्छा करने में या भारतीय कृषि को सुधारने में। तो पहला तो ये है कि हमारी सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, जो हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनकी स्थापना की है, कॉलेजों की, कृषि कॉलेजों की। और दूसरा पॉइंट है पशु चिकित्सालयों की स्थापना की है, जो जानवरों का हॉस्पिटल होता है उनको बढ़ाया गया है, ठीक है, जो सरकारी हॉस्पिटल है जानवरों के। इससे क्या होता है, जो किसान होते हैं जो पशुपालन भी करते हैं उनके जो पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, उनका इलाज मुफ्त किया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि मौसम के पूर्वानुमान का विकास किया है ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के, ठीक है। तो भाई ये जो तीसरा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो भारत की कृषि है, जो हमारी भारत की खेती है, वो किस पर निर्भर है, मौसम पे, मानसून पर निर्भर है। क्योंकि जो हमारा भारत है उसमें हर जगह पर पानी नहीं पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ कुछ ही इलाके हैं जहाँ पर पानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बाकी इलाके बारिश पर निर्भर रहते हैं, कब बारिश होगी, उसके पानी को स्टोर किया जाएगा, फिर उससे सिंचाई की जाएगी, ठीक है। तो कभी कभार तो होता है कि भाई बारिश की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश एकदम से इतनी तेज पड़ती है जिससे फसलें खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें हमें क्या जरूरत होती है, मौसम के पूर्वानुमान की, कि न्यूज़ में ऐसे पहले ही बता दिया जाए कि मौसम क्या होने वाला है। तो ऐसी जो परियोजनाएं हैं, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी सरकार ने इसका विकास किया है और आज के टाइम में हमें पता चल जाता है कि मौसम कैसा होने वाला है। अब जो अगली हेडिंग है हमारे सामने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा हेडिंग का पहला पॉइंट है कि नागरिकों के लिए भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है। हम सब जानते हैं हम भारत के नागरिक हैं और हमें भोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड है, बिना भोजन के तो कोई काम हो नहीं सकता। और दूसरा पॉइंट है हमारी सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है, किसके लिए, कि हर नागरिक तक भोजन पहुंचे, हर नागरिक तक खाना पहुंचे। हमारी सरकार ने क्या किया है, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है इसके दो घटक हैं, इसके दो भाग हैं। पहला है बफर स्टॉक, बफर स्टॉक के द्वारा जो होता है सबको खाना पहुंचाया जाता है। और दूसरा है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइए हम इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। तो भाई जो बफर स्टॉक होता है इसमें क्या होता है कि भारत में जो फसल का उत्पादन अधिक हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो किसान ने फसल उगाई
और उसने हद से ज्यादा उसका उत्पादन कर दिया, और जो उसको बेचनी थी उसने बेच भी दी, अपनी जरूरत के लिए रख भी दी, फिर भी अगर फसल बच जाती है तो उसका क्या होता है, या तो उस फसल को दूसरे देश में बेच दिया जाता है या फिर उसको जमा करके रख दिया जाता है, स्टोर करके, अगर भविष्य में कभी अगर आपदा आती है, खाने की कमी होती है, तब उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे पढ़ देता हूँ कि भारत में जो फसल का उत्पादन अधिक हो जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच जाती है, उसे या तो दूसरे देशों में बेच दिया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर भविष्य में आपदा के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, भविष्य में अगर कभी आपदा आती है तो उस टाइम इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा फसल का जो उत्पादन होता है, अगर ज़्यादा हो जाता है, इसमें जो फसलें बच जाती हैं, गेहूं अगर बच जाता है, तो उसको हम फिर खतरे की घड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, मैंने आपको बताया ये जो काम होता है, ठीक है, खतरे की घड़ी में इस्तेमाल करने वाला, इसको इकट्ठा करने का या फिर इसको विदेशों में बेचने का, तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो फसलें एक्स्ट्रा हो जाती हैं जिनको अगर बेचना है या आपदा में इस्तेमाल करना है, तो इसका नियंत्रण कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीसरा पॉइंट है, एक आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, बफर स्टॉक का, कि जम्मू कश्मीर में 2014 में बाढ़ आई और वहां पर अनाज की पड़ गई कमी, तो अब क्या किया जाएगा, जो एक्स्ट्रा फसल बच गई थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका कहां प्रयोग किया जाता है, आपदा में, तो आपदा का उदाहरण मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर, 2014 में बाढ़ आई और वहां पर क्या हुआ, अनाज की कमी पड़ गई, फिर क्या किया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था ना, ये जो इसका नियंत्रण कौन करता है, ये जो फसलें बच जाती हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, जो फसलें बची हुई थी, अनाज है या और भी कोई फसल है, उसको वहां पर जाके बांटा जम्मू कश्मीर में, कब, आपदा के समय। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा बफर स्टॉक क्या होता है, या तो स्टोर करके रखना, ठीक है, विदेशों में बेचना, या फिर उसको आपदा के समय इस्तेमाल करना। अब अगली हेडिंग है हमारे सामने सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, हम सब जानते हैं ना जो राशन की दुकान होती है उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण की दुकान, ठीक है, राशन की दुकान, तो वही सब है ये। हमारी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, ठीक है, जिससे हर नागरिक तक राशन पहुंचता है। तो पहला पॉइंट है कि भारत के प्रत्येक गांव में या शहर में एक राशन की दुकान होती है, आपने भी देखा होगा, आप जहां भी रहते हैं वहां पर एक राशन की दुकान जरूर होती है। ठीक है, तो वो हमारा इसी खाद्य सुरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा है। ठीक है, एक तो हमारा बफर स्टॉक था और इसका दूसरा हिस्सा है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके द्वारा देश के हर नागरिक तक खाना पहुंचाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है कि यहाँ कोई भी घरेलू सामग्री ले सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, चीनी, चावल, ठीक है, और पहले तो तेल भी मिलता था, ये सब क्या है, गेहूं मिलता है, ये सब किस में आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, ठीक है, राशन पे। और तीसरा पॉइंट है जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं, ठीक है, जिनका बीपीएल राशन कार्ड होता है, बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं उनका बनता है वो बीपीएल कार्ड, ठीक है, जो पीले कलर का होता है, आपने देखा होगा। उस पे क्या होता है, बीपीएल कार्ड पे जो राशन की दुकानों पे जितना भी ये अनाज मिलता है, गेहूं, चावल, चीनी, ये बहुत सस्ते दामों में मिलता है बाकी दुकानों के मुकाबले, ठीक है, और जो बाकी जो जनरल लोग होते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में ये सब जो खाना होता है पहुंचाया जाता है और बहुत सस्ते दामों में उन्हें मिलता है। तो इसका क्या उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं, जो नहीं खरीद सकते, उनके लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि भाई वो भूखे नहीं सोएंगे, उनको चाहे कम से कम दाम में भी दिया जाए लेकिन खाना उन्हें भी दिया जाएगा बीपीएल पे। तो अब जो अगली हेडिंग है, हमारी लास्ट हेडिंग है चैप्टर की, इसका नाम है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। ठीक है, जो वैश्वीकरण हुआ है, जो हमने विदेशों से हमने टेक्निकें ली हैं, ठीक है, खेती करने की, या विदेशों से हमने बीज मंगवाए हैं, या हमने विदेशों से जितनी भी वो उसको क्या कहते हैं, उर्वरक मंगवाए हैं, ठीक है, अच्छी से अच्छी खेती करने के लिए, उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण के द्वारा जो खेती में बदलाव आना। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है हरित क्रांति, हमारे देश में क्रांति हुई थी, ठीक है, हरित क्रांति, क्रांति का मतलब होता है बदलाव और हरित का मतलब होता है हरियाली। तो भाई 1960 से पहले हमारे देश में इतनी अच्छी फसलें नहीं थी, ठीक है, खेती में इतनी अच्छी बचत नहीं होती थी, लेकिन 1960 के बाद से क्या हुआ कि जो हमारा खेती का क्षेत्र है, ठीक है, जो कृषि क्षेत्र है,
उसमें अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, विदेशों से बीज प्रयोग जो विदेशों से बीज मंगाए जाने लगे। और दूसरा पॉइंट है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, बिल्कुल, जो वहां पर कीटनाशक की जरूरत है वहां पर कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा, जहां पर अगर उर्वरक की जरूरत है तो वहां पर उर्वरक छिड़का जाने लगा। ठीक है, अगर कहीं पर खाद की जरूरत है तो वहां पर खाद अच्छी किस्म की लाई जाने लगी। तो ये सब क्या है, खेती में बदलाव आने लगा। ठीक है, क्रांति आने लगी, जिससे क्या हुआ, फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, फसलें और अच्छी होगी। और इससे क्या हुआ कि अच्छी खाद और उर्वरक का जो प्रयोग हुआ था, मैंने आपको बताया, इससे फसलों में वृद्धि हुई। ठीक है, खेती में वृद्धि हुई जिससे मुनाफा भी ज्यादा हुआ। तो हरित क्रांति आपको समझ में आ गया होगा, हरित का मतलब होता है हरा और क्रांति का मतलब होता है बदलाव। तो जो हरी क्रांति है मतलब खेती से जुड़ी, उसमें क्या बदलाव आया, पहले के मुकाबले फसलों में वृद्धि हुई। अब जो हमारी दूसरी क्रांति हुई थी उसको हम कहते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, श्वेत का मतलब होता है सफेद और क्रांति का मतलब होता है बदलाव। तो सफेद को जोड़ा जाता है दूध से। ठीक है, दूध सफेद होता है हम सब जानते हैं। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए, हम सब जानते हैं कि दूध हमें पशुओं से मिलता है। ठीक है, गाय हो गई, भैंस हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, उनके दूध की क्वालिटी को सुधारने के लिए, ठीक है, दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, जो पशुओं की नस्लें थी, ठीक है, पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। जो पशुओं को पालते थे उनकी जो कंडीशन अच्छी की गई, और पशुओं की मतलब टाइम टाइम पे इलाज किया जाने लगा, और पशुओं को अच्छे तरीके से पाला जाने लगा, उनकी केयर की जाने लगी, जिससे जो दूध था उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। इसको हम कहते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, दूध के उत्पादन में जो बदलाव आया था, पहले इतनी अच्छा हमें बेनिफिट नहीं होता था। ठीक है, दूध बहुत कम मात्रा में हमें यहाँ भारत देश में मिलता था, ज़्यादातर दूध बाहर से ही आता था। लेकिन गुजरात, गुजरात का जो इलाका है वहां से स्टार्ट हुई थी हमारी श्वेत क्रांति। ठीक है, आपने अमूल का नाम सुना होगा ना, अमूल बहुत फेमस ब्रांड है। और भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति आई थी, जो दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, वो अमूल से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो श्वेत क्रांति है ना, जो इसके जनक हैं, ठीक है, जो इसके गॉड हैं, गॉड ऑफ श्वेत क्रांति जिन्होंने स्टार्ट की थी, उनका नाम है वर्गीज कुरियन। ठीक है, नाम अगर आपको याद रखना है आप रख सकते हैं, मैंने आपको एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे बताया है। उनका नाम था वर्गीस कुरियन, जिन्होंने श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का जरूर दबा दें, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें, और आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।